मानसून की दस्तक के साथ ही जल जनित व संचारी रोगों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग CHC, PHC व जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं और विभिन्न बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज के लिए उचित व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। गंभीर रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यतः बरसात में होने वाले संक्रामक रोगों के लिए प्रबंध किए गए हैं। मानसून में बदलाव होते ही मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं जनपद में कोरोना संक्रमित भी बढ़ने लगे हैं। इस संबंध में डॉक्टर ने बताया कि मौसम में बदलाव आने के चलते सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं जिले में कोरोना के केस भी आने लगे हैं। उनके लिए हम लोग RT-PCR टेस्ट भी कर रहे हैं। संचारी रोग नियंत्रण माह 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो पूरे माह तक चलेगा। इसमें आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगी। मदर मीटिंग संचारी रोग के प्रति जन जागरूकता फैलाना, बुखार के मरीजों का लाइन लिस्टिंग करना, साथ साथ COVID-19 के मरीजों को चिन्हित कर उन्हें दवा देना व उनकी जांच करवाना। संचारी रोग बारिश की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, यह मच्छरों से ज़्यादा फैलता है। इसके लिए स्कूलों में शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रेयर में टीचरों को निर्देश दिया गया कि बच्चों को फुल कपड़े पहनने की सलाह दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर के पास जल जमा हो तो उसे साफ करें, झोपड़ियों को पंचायती राज विभाग द्वारा साफ सुथरा किया जाए। यह जो मच्छरों या जानवरों के द्वारा फैल रही हैं, उसके लिए पूरे महीने अभियान चलेगा तथा मरीजों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी दवाएं उपलब्ध हैं। थोड़ा टेम्परेचर डीप होने के कारण कुछ इसमें है, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े हुए हैं और कोरोना के केस भी कुछ हमारे जिले में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ RT-PCR टेस्ट भी कर रहे हैं। और संचारी रोग नियंत्रण माह हमारा 1 जुलाई से चलाया जा रहा है, पूरे महीने भर चलेगा। इसमें गांव-गांव आशाएं जाएंगी, मदर मीटिंग, जन जागरूकता फैलाना संचारी रोग के प्रति, और फीवर वाले मरीजों का लाइन लिस्टिंग करना, फीवर क्लोसिस मरीजों का उनकी भी लाइन लिस्टिंग कराना, साथ साथ कोविड वाले लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करके उनको दवा देना, उनकी जाँच ला के स्वास्थ्य केंद्र के लिए मरीजों को क्या दिशा निर्देश दिए जाने बताओ। संचारी रोग इस समय जैसे मच्छर ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण फैलता है, तो इसमें है कि आप स्कूलों में जैसे प्रेयर के माध्यम से टीचर भी बता रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा कि खुल आस्तीन के कमीज पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर के पास अगर जल जमा हो तो उसको समाप्त किया जाए, झाड़ी है तो उसको पंचायती रोग द्वारा उसका भी सफाई कराया जा रहा है। तो हम लोग जो भी मच्छर जनित बीमारियाँ हैं या जो एक दूसरे से जानवरों के द्वारा पहनती है, उसको बचाव के लिए पूरा अभियान पूरे महीने चलेगा। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।